आपने कभी माचिस जलाई हो, लेकिन आपको पता है कि माचिस जलती कैसे है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि माचिस जलती कैसे है? तो आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे आपको कि माचिस जलती कैसे है। तो माचिस जल उससे पहले आपको जाना है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे कम्बस्टेबल सब्सटेंस जलता है। जो लोअर होता है, जिसका कम्बस्टेबल सब्सटेंस, जिसका लोअर इग्निशन टेम्परेचर, बहुत जल्दी उसमें हीट और लाइट तुरंत प्रोड्यूस हो जाती है। तो पहले जानते हैं कि मैचस्टिक में होता क्या है। तो मैचस्टिक में होता है पोटेशियम क्लोरेट और एंटोमोनियम और मैच बॉक्स होता है। उसमें क्या होता है, मैच बॉक्स में होता है रेड फॉस्फोरस और पाउडर ग्लास। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा है जो कि होता है पाउडर ग्लास, और जो ये रेड रेड दिख रहा है वो है रेड फॉस्फोरस। तो अब आग इससे जलती कैसे, जब हम लोग मैचस्टिक को इसके सरफेस पे फ्रिक्शन की मदद से इसको स्ट्राइक करते हैं, तो फ्रिक्शन की मदद से जो रेड फॉस्फोरस होता है, फ्रिक्शन की मदद से व्हाइट फॉस्फोरस होता है। व्हाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, तो उससे तुरंत हीट और लाइट आ जाएगी, वो इग्नाइट कर देगा एयर से और आग लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ट्राई किया मैंने, ये देखिए जलते हैं। इसमें है एंटोमोनी ट्राइसोफाइड और पोटेशियम क्लोरेट। अब फ्रेंड्स ये हुआ कैसे, तो जब हमने फ्रिक्शन से इसको ऐसे बना, तो जो जब हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई व्हाइट फॉस्फोरस से, वो रिएक्ट करती है पोटेशियम क्लोरेट से और उससे निकलता है ऑक्सीजन, वो रिलीज करता है ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन एंटोमोनी ट्राइसोफाइड से चलता है, तो जो हमारी मैचस्टिक होती है वो ज्यादा देर तक जलती है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि लाइटर कैसे काम करता है। लाइटर गैस स्टोव को जलाने में यूज आता है। तो उससे पहले हमको जानना है कि इसकी जो ऊपर से जो लाइट आती है, चिंगारी निकलती है, वो कैसे होती है। तो उसको जानने हैं, तो उसमें होता है एक मेटल और एक होता है क्रिस्टल। जब वो दोनों लड़ते हैं फ्रिक्शन से, फिर उससे करंट पैदा होता है। और करंट यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है पॉजिटिव, तो यहाँ पे लाइट निकलता है। जैसे ये देखिए, दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से लाइट निकल रही है, ये यहाँ से यहाँ जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। फ्रेंड्स, अब डायग्राम के जरिए हम लोग समझते हैं। तो जब हम लोग इसको यहाँ से पुश करते हैं, तो ये स्प्रिंग इस जो ये मेटल है, इसको ये क्रिस्टल से लड़ती है, तो उससे जो करंट निकलता है वो ऊपर यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाता है। यहाँ से जो स्प्रिंग है वो, जब हम लोग ऐसे उसको दबाते हैं, तो ये मेटल को ऊपर स्ट्राइक करवाती है, उससे करंट निकलता है, करंट ऊपर जाता है, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट आ जाता है और आप अपनी गैस स्टोव को जलाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं सब चीज बताई, वो सब एक एक्सपेरिमेंट था इग्निशन टेम्परेचर का। जब आप देखेंगे पेपर का होता है इग्निशन बहुत लो होता है, जब आप यहाँ पे आग पकड़ाएंगे पेपर में, तो पेपर इजीली जल जाएगा। अगर आप ट्राई करिए पेपर को जला कर, तो पेपर जल जाएगा। बोर्ड को जला कर देखिए, वो जलेगा नहीं, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। जब हम उसमें केरोसिन लगा कर फायर उसमें लगाएंगे, तब वो जल जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि इग्निशन टेम्परेचर पेपर का क्या होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आपको बड़े के अंदर करना है। तो फ्रेंड्स, ये रही नई न्यू मैच लाइट, इसमें आपको पाउडर ग्लास और रेड फॉस्फोरस दिख रहा है। अब मैं इसको स्ट्राइक करके जलाऊंगा। अब मैंने इस कैंडल को लाइट अप कर दूंगा। अब फ्रेंड्स देखिए, एक पेपर को जला के देखते हैं क्या होता है। पेपर का लोअर इग्निशन टेम्परेचर था, तो ये जल गया। ये देखिए फ्रेंड्स,
टाइम से एक्सपेरिमेंट आप खुद से नहीं करिएगा। फ्रेंडशिप बहुत डेंजरस है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से अब फ्रेंड्स अब ये पूरी तरीके से जल गया है और ये इसका ऐश फॉर्म हो गया है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। एक पेपर के कोन में हम लोग पानी डाल के उसको जलाएंगे कैंडल के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले हम लोग इसमें हमको इसमें एक पानी पानी डालना है। फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें पानी डाल दिए हैं तो हम लोग इसको जला के देखते हैं। इसकी हम लोग हॉट स्फीयर पे इसको जला रहे हैं लेकिन ये जल क्यों नहीं रहा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कौन सी हॉट स्फीयर होती है। देखिए आउटरमोस्ट स्फीयर है फ्रेंड्स, जो पानी है वो गर्म हो रहा है। फ्रेंड्स इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो गया है तो ये जल नहीं रही है और ये इसका जो वाटर है वो गर्म हो रहा है। फ्रेंड्स जो एक्टिविटी थी हमने करी, जब हमने पेपर को जलाया तो वो जल गया, लेकिन जब हमने उसके अंदर पानी डाल के जलाया तो वो नहीं जला क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो मेरे वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।